सांसद अनुराग ठाकुर को लोकसभा में मुख्य सचेतक की जो नई जिम्मेवारी मिली है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उपलब्धि इसलिए है कि वो एक बहुत कम आयु में ऐसे पहले सांसद है जो इतनी कम आयु में इस पद पर पहुंचे हैं, और दूसरा हिमाचल के लिए वो इसलिए भी बड़ी बात है क्योंकि हिमाचल प्रदेश से पहले ऐसे लोकसभा सांसद हुए हैं जिनको ये जिम्मेवारी दी गई। इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। जिस हिसाब से अनुराग ठाकुर का अब तक का अपना राजनीतिक सफर रहा है, उन्होंने कई उपलब्धियाँ कई मुकाम हासिल किए हैं जो आने वाले समय में दूसरे लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगे, उन्होंने ऐसे मील पत्थर साबित किए हैं। हमें इस बात की पूरी उम्मीद है कि अभी तक जिस गति से और जिस जन कल्याणकारी सोच को लेकर वह आगे बढ़ते हुए नए नए मुकाम और उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं, आने वाले भविष्य में भी वे नई नई उपलब्धियां हासिल करेंगे, नए नए मुकामों को छुएंगे। अनुराग ठाकुर जी का जो राजनीतिक सफर रहा है उसमें उन्होंने 3 बार हमीरपुर लोकसभा को बतौर सांसद रिप्रेजेंट किया है, और इस कार्यकाल में हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र को वो बहुत आगे लेके गए हैं। देश के किसी भी विकसित लोकसभा क्षेत्र में जो सुविधाएं, जो बड़े से बड़े विकासकारी प्रोजेक्ट वहां लगे हैं वो हमीरपुर लेके आए हैं। तो इसी ऐसी उम्मीद हमें उनसे है कि जिस हिसाब से उन्होंने हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र को आगे बढ़ाया वैसे ही वे प्रदेश को भी आगे लेके जाएंगे। सांसद श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी को हमारी तरफ से, युवा मोर्चा की तरफ से बहुत बहुत बधाई। जो जिम्मेवारी उनको चीफ सचेतक के रूप में लोकसभा में मिली है, ये एक बहुत ही जिम्मेवारी भरा पद रहता है। उनको ये जिम्मेवारी उनके जो उन्होंने पहले कार्य किए हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं या वो अन्य उसमें BCCI में राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, और भी लोकसभा में जब भी उनको जिम्मेवारी दी है उसको उन्होंने बखूबी निभाया है। हाल ही में उन्होंने युवाओं के लिए सांसद खेल महाकुंभ एक अनोखी पहल करके उसको भी लास्ट मोमेंट तक पहुंचाने की तैयारियों में डटे रहे हैं। इसी के साथ जब भी प्रदेश के हित की कोई बात हो उसको भी उन्होंने लोकसभा में पूरे जोर शोर के साथ रखा है, उठाया है, और अपनी मांगों को मनवाने में पूर्ण रूप से वो सही उतरे हैं। मुख्य सचेतक के रूप में उनको एक जिम्मेवारी मिलना हिमाचल के लिए इसलिए भी बड़ी बात हो जाती है कि यहाँ से मात्र 4 सांसद हैं, और अनुराग जी एक बहुत ही यंग उम्र में ही उनको इस जिम्मेवारी को दिया गया है। तो मैं एक बार फिर यही उनसे आशा करूँगा कि जो उनको नई जिम्मेवारी मिली है उसको वो सही तरीके से धरातल पर उतारेंगे और विकास को ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। पहले तो मैं अनुराग ठाकुर जी को, हमीरपुर को, हिमाचल की जनता को इस चीज़ की बहुत ज़्यादा बधाई देना चाहूँगा। और जिस तरह सबको पता है कि अनुराग ठाकुर जी एक युवा सांसद हैं, वो युवाओं में बहुत चर्चित रहते हैं, और हर युवा को इस चीज़ की खुशी है कि उनको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली, और हर एक युवा उनसे इस चीज़ की आशा भी करता है कि उनके लिए कुछ नया करें। इस बारे में हमीरपुर में बहुत ही उत्साह का माहौल है और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि वो मुख्य सचेतक बने हैं, और हम चाहते हैं कि वो आगे ऐसे बढ़ते रहें और हमीरपुर के कल्याण के लिए कार्य करते रहें।